एके मिश्रा जी ने जो विश्लेषण किया है बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है ना, एक चुनाव के प्रति, खास करके राजनीति में चुनाव के प्रति और मतदान के प्रति इतने सर, ये विश्लेषण आप लोगों को करना चाहिए था, अपनी पार्टी के जो आपके विशेषज्ञ बैठे हैं, ये माइक्रो लेवल के विश्लेषण मैं भाजपा के या कांग्रेस के या टीएमसी के प्रवक्ताओं से उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं उसी विषय पर अभी आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसी विषय पर आ रहा हूँ। सुनील जी, थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस यहाँ हम लोगों को करनी चाहिए। मैं सारे पार्टियों के लिए बोलता हूँ, देखिए एनालिसिस जो होती है ना वो दो तीन पैरामीटर पे होनी चाहिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कुछ लेटेंट डायनामिक्स। किसी भी डिबेट में या कहीं पे भी बाइट देखिए, अगर ये पूछा जाए कि 10 रीजन बताइए क्यों बीजेपी जीतेगी या टीएमसी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या कोई और पार्टी जीतेगी, 10 लॉजिकल रीजन कोई भी पार्टी का बड़े से बड़े प्रवक्ता नहीं बता पाएगा, एक्सेप्ट इन लोगों की लाइन ये होती है बदलाव की हवा चल रही है जी, हम जीतेंगे, जनता ने उनको, मतलब इरेशनल टाइप की बातें। देखिए है क्या, पॉलिटिक्स अपने आप में ना एक इतना, इसकी डायनामिक्स इतनी तेज है ना, सिचुएशन इतनी तेजी से बदलते हैं और बहुत सारे फैक्टर और डायनामिक्स ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जिसको बड़े बड़े विशेषज्ञ या नेता भी नहीं पकड़ पाते हैं। टाटा जैसे महापुरुष को तो मैं तो सोचता हूँ वो कहीं पे भी जाए उनकी तो चरण वंदना की जानी चाहिए, उनकी देशभक्ति, उनके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। अपने देश के उद्योगपतियों को आप हतोत्साहित करेंगे, तोलेबाजी करेंगे, उनसे कट मनी मांगेंगे और फिर बोलेंगे कि हम दुनिया में नंबर वन बन जाए। उद्योगपतियों से क्या वैर है भाई आप लोगों का, चाहे वो एक छोटा दुकान वाला हो चाहे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, क्यों नहीं उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं? ठीक है आरवी उपाध्याय जी, मैं एके मिश्रा जी के पास जाऊंगा। एके मिश्रा जी देखिए, सुनिए, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह वोटिंग को लेकर, ये आपने अच्छा किया जो ये पॉइंट उठा दिया कि महिलाओं का वहाँ पे उत्साह कुछ ज़्यादा है और वो ज़्यादा उनका जो है परसेंटेज वोटिंग आ रहा है, फाइनल क्या होगा वो देखेंगे। देखिए ये भी एक बहुत साइंटिफिक एनालिसिस है, वोटिंग साइकोलॉजी या वोटिंग बिहेवियर या पॉलिटिकल बिहेवियर आप समझिए, मेल और फीमेल का अलग से समझा जाता है, ये नॉर्मल डिबेट की बातें नहीं है। देखिए बंगाल की महिलाओं, एक टर्मिनोलॉजी होती है हेडोनिज्म, हेडोनिज्म का मतलब ये होता है, और पर्टिकुलरली मैं महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, देश में जितने भी प्रदेश हैं उसमें बंगाल की महिलाओं के अंदर हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है। कहने का मतलब सेल्फ रिलायंस, अपने डिसीजन वो खुद करेंगी और अपने डिसीजन को वो बदलती नहीं है, यानी महिला प्रधान एक तरीके से सोसाइटी होती है। हो सकता है हस्बैंड कितना भी प्रेशर डाले या घर में कोई और डाले, लेकिन वो रूल करती है, वो अपने डिसीजन जो ले लेती है उसको बदलती नहीं है जी। यही एक रीजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की महिलाएं चाहे कोई अनपढ़ हो, पढ़ाई लिखाई न की हो, चाहे कोई हाईली एजुकेटेड हो, लेकिन ये वहां की सोसाइटी में कल्चर है, दुर्गा पूजा वहां का मेन है, महिला प्रधान सोसाइटी आप बोल सकते हैं, चाहे दुर्गा पूजा से आप शुरू करिए और घर में भी वही महत्व है, पूजनीय महत्व है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा महिलाएं निकल रही हैं, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, ममता दीदी के जितने भी फैन होने चाहिए महिलाएं, वो तो पिछले 10 सालों में उनके साथ हैं ही, वो अभी भी हैं, लेकिन ये जो महिलाएं एडिशनल निकल रही हैं, ये क्यों निकल रही हैं, ये अगर पिछली बार ममता दीदी के साथ नहीं थी, अगर न्यूट्रल थी, ये घर में चूल्हा चौका कर रही थी या फैमिली संभाल रही थी, तो अब की बार तो ऐसा कोई मैजिकल रीजन है नहीं जो कि ये ममता दीदी के फेवर में निकले, ये क्यों फेवर में निकल रही हैं। देखिए भारतीय राजनीति बड़ा इमोशनल चीज है, मैं आपको बताऊं, और भारत एक धर्म प्रधान देश है, धर्म की भी बात हुई थी, 200 साल 1000 साल अगर हम लड़ते रहे और हमारा वर्चस्व कायम रहा तो उसके पीछे केवल एक रीजन था, धर्म, केवल धर्म था, चाहे मुगलों का अटैक रहा हो, चाहे अंग्रेजों का, चाहे किसी का रहा हो, वो एक भावना हमेशा कहीं ना कहीं बनी रही। ये चीज बंगाल में भी है, बात जब महिलाओं के क्षेत्र, मेरी डायरेक्ट कई लोगों से वहां पे बातचीत या लोग फोन करते हैं, सर आपको क्या लग रहा है, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, उनका ये कहना है कि वाकई में अगर छेड़खानी की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, ममता दीदी शायद उस लेवल की सुरक्षा नहीं दे पाई जो महिलाओं के लिए एक्सपेक्टेड है वहां पे, शायद इसीलिए ये एडिशनल महिला है। मैं बोलता हूँ विकास वगैरह की बात आप छोड़ दीजिए, भारतीय राजनीति में विकास भी कई बार पीछे छूट जाता है और इमोशनल मुद्दों पे, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों पे,
धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को लोग बहुत अहमियत दे देते हैं। जो अब सोनार बंगला, अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखें, ये अपने आप में बहुत ही टचिंग कॉन्सेप्ट है। सोनार बंगला, हर बंगाली अपने बंगाल को सोने के समान बोलता है। ये शायद ममता दी, इनफैक्ट चाहिए तो ये था कि ममता दीदी को ये कॉन्सेप्ट उठाना चाहिए था, लेकिन वो चुप कर गई। यहाँ पे ये बीजेपी ने ये चीज उठाया, केवल सोनार बंगला, अमार बंगला, सोनार बंगला, ये दो शब्द बोल दीजिए, ये सारी मतलब खुशहाली को, सारे विकास को अपने आप में समाहित कर लेता है। आपको अपना मैंडेट या आपको अपना मैनिफेस्टो या 50 लाइन 50 पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। केवल एक लाइन बोल दीजिए कि हम जीतेंगे तो सोनार बंगला बनाएंगे, हर बंगाली समझ जाता है कि सोनार बंगला का क्या मतलब होता है, और अगर सोनार बंगला बन गया तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसके कारण मुझे लगता है परिवर्तन होगा। ठीक है, ममता दीदी फाइट बहुत देंगी, उससे फर्क ये पड़ेगा कि जीत का मार्जिन कम हो जाएगा, कहीं 500 सीटों से बीजेपी जीतेगी, कहीं 2000 से। ठीक है, आरके मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? आरके मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है? जी ने जो आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज।